एक्सेल लर्निंग सो स्टार्ट करते हैं हमारे घटना चक्र का जो भी हमारा पार्ट था उसको स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वेलकम टू अगेन एक्सेल लर्निंग। यूपीपीसी 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पीवाईक्यूज हम लोग देखेंगे, प्रीलिम्स रिलेटेड जितने भी आपके होने वाले हैं, ठीक है। कोई भी स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी हो, अगर आपका एमपीएससी हो, उसके बाद आपका यूपीएससी हो, ठीक है। इसके बाद आप झारखंड का देख सकते हैं, उत्तराखंड का देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं, राजस्थान का, सारे के सारे पीवाईक्यूज उसमें कवर किए जाते हैं। तो सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेदिक एज हम लोग करने वाले हैं, इसके पहले हम लोग आईवीसी देख चुके हैं। वेदिक में सबसे पहले टर्म आर्यन के बारे में पूछा गया था। इसका मतलब क्या होता है? सुपीरियर रेस, यानी कोई सुपीरियर रेस, इसका मतलब है आर्यन। एंड ये क्लासिकल संस्कृत में इसका मतलब होता है नोबल मैन। तो ये मीनिंग आपका पूछा गया था यूपीएससी में और यूपी दोनों में। फिर आते हैं ओल्डेस्ट वेद के बारे में, सबसे पुराना वेद आपका कौन सा माना जाता है? तो दैट इज आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना माना जाता है। फिर आते हैं त्रयी के बारे में, ठीक है। त्रयी बेसिकली क्या था? ये आपके तीन वेदास के लिए नाम यूज होता था। वेद त्रयी जिसको कहते हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ठीक। दूसरा अगर आप देखेंगे, वर्णा फाउंड रेफर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप देखेंगे तो वर्णा का जो वर्णा होते हैं, वर्ण का पहली बार रेफरेंस आपको कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया था। कौन कौन से वर्ण होते हैं? ब्राह्मण जिसको प्रीस्ट कहा जाता था, क्षत्रिय जैसे नोबल, वैश्य यानी कॉमनर, एंड शूद्र यानी सर्वेंट। ये चार आपके थे। और ऐसा माना जाता था कि एक कोई प्राइमेवल पर्सन थे, पुरुष थे, जिनके माउथ से आपके ब्राह्मण निकले थे, आम से आपके क्षत्रिय, थाइस से आपके वैश्य, फीट से आपके शूद्र, है ना। ये ऐसा मेंशन किया गया। फिर आते हैं पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त बेसिकली आपका वो है जहां पर आपको वर्ण सिस्टम के बारे में मिल जाएगा, जैसे आप ऋग्वेद के बारे में जान सकते हैं, ठीक। फिर आप देख सकते हैं एमपी के बारे में, अथर्ववेद मेडिसिन से डील करता है, यानी चार्म्स एंड स्पेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऋग्वेद ये भगवान की ग्रेस से माना जाता है ऐसा, और यूपीआर में पूछा गया था, इसमें हिम्स एंड प्रेयर्स आपको देखने को मिल जाएगी। यजुर्वेद की बात करते हैं, सेक्रीफाइस प्रोसेस, बलिदान का जो प्रोसेस है, रिचुअल क्या होता है उसका, वो चीजें मिल जाएंगी। सामवेद की बात करते हैं, म्यूजिक, है ना, साम बेसिकली आपको देखने को मिलता है, तो आपको म्यूजिक मिल जाएगा। ऋग्वेद ऐसा है जिसमें आपको 128 हिम और 10,552 मंत्रास देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछा गया था, 1028 हिम्स और 10552 मंत्रास आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा। फिर राजस्थान का क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद अलग अलग जितने भी आपके वेदास होते हैं, वेदास से जुड़े ना कुछ ब्राह्मण्स होते हैं, तो ब्राह्मण भी पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद से जुड़ा है ऐत्रेय, साम से पंचेश, फिर अथर्ववेद से गौपत, एंड यजुर्वेद से शतपथ। तो ये पूछा जाता है, ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद आपका कौन सा है पंचविश, अथर्ववेद गौपत, एंड यजुर्वेद आपका शतपथ होता है। यजुर्वेद की बात करते हैं, इसके दो ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। एक होता है शुक्ल, जिसमें अगर आप देखेंगे, जिसमें पोएटिक आपको मिलने देखने को मिल जाएगा। दूसरा होता है कृष्ण, जिसमें पोएटिक और प्रोज फॉर्म दोनों देखने को मिलता है, ठीक। दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, इसी शुक्ल के अंदर या पोएटिक के अंदर आपको स्वमृता यानी वजसनामी आपको देखने को मिल जाएगा। यही पूछा गया था कि वजसनामी आपके यजुर्वेद के कौन से पर्टिकुलर पार्ट में, कौन से ब्रांच में देखने को मिलता है, तो आपका शुक्ल में देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं दूसरा बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक। मंडल ऑफ ऋग्वेद जो सबसे ओल्डेस्ट अगर आप देखने को मिल जाएगा, ऋग्वेद आपका सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है, कौन सा ऐसा मंडल है ऋग्वेद का जो आपके सोमदेव को डेडिकेटेड है? तो नवा मंडल इसमें देखने को मिलता है। टोटल आपके ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, जिसमें 9th जो मंडल होता है वो सोम का डेडिकेटेड होता है। और सोम जो है ना, सोम रस आपने सुना होगा, एक ड्रिंक होती है जो देवता उस टाइम पे ग्रहण करते हैं, तो उनके नाम पे इनको कहा गया है सोम रखा गया है। तो कौन सी पर्टिकुलर मंडल में है? नौवें मंडल में है। कंपाइलेशन ऑफ सामवेद की बात करते हैं, किस पे बेस्ड है ये? ऋग्वेद पे बेस्ड है। फिर आते हैं अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा भी आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम में 98 में पूछा गया था। प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक दोनों एक्सकेवेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी अतरंजी खेड़ा अगर आपका देखते हैं तो यहां पर सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है भारत में आयरन के यूज को लेके, यानी लोहे के यूज को लेके सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहां मिलेगा? अतरंजी खेड़ा में। यहां पर आपको प्री हिस्टोरिक हिस्टोरिक दोनों टाइम के आपको एग्जाम्पल्स या एक्सकेवेशन देखने को मिल जाएंगे। काली रिवर जो है, जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक, वो भी यहाँ पर आपको इसके थ्रू देखने को मिल जाएगी। पहली बार किसने आपके किया था? कनिंगम ने किया था 1862 में। उसके बाद एक तरीके से लीगलाइज या ऑफिशियल तरीके से अगर आप देखेंगे, आरसी गौड़ ने 1962 में किया था। तो अतरंजी खेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उपनिषद की बात करते हैं, तो उपनिषद किस पे है? बुक्स ऑन फिलोसफी कही जाती है। किसके बारे में बात करती है? बेसिकली मोक्ष के बारे में, सालवेशन के बारे में, ना किस तरीके से मुक्ति आपको मिलती है उसके बारे में उपनिषद बात करते हैं। ये आपके 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको और देख लीजिएगा। कोर ऑफ वनसेल्फ इज नॉट बॉडी माइंड बट आत्मन। किसी भी चीज़ का कोर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, केंद्रीय बिंदु क्या होता है, तो उसका शरीर या उसका माइंड नहीं होता, क्या होता है? उसकी आत्मन होता है। ये उपनिषद में मेंशन मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें एग्जाम में एज इट इज पूछी गई थी। फिर आते हैं पुरुष सूक्त की बात करते हैं, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसमें आपको वर्ण सिस्टम का वर्णन देखने को मिल जाएगा, और ये किसमें है आपका? ऋग्वेद में है। ये दूसरी बार आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं चाहती तो एक बार इसको लिख के छोड़ देती, बट आई रिपीटेड इट जस्ट बिकॉज आपको क्या देखने को मिल जाएगी, क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं ना। छत्तीसगढ़ 14 दो बार दिख रहे हैं। नाउ एमपी 99 अथर्ववेद की बात करते हैं। आई थिंक ये हो चुका है आपका, है ना। चलो दिस पेज इज रिपीटेड आई थिंक सो। चलो ये वाला हो गया हमारा।
उपनिषद हो गया। नाउ फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता नियम की बात करते हैं ना, नचिकेता नियम की बात करते हैं ऐसे। ये तो पेज रिपीट था बट बहुत बार मैंने ना चीज़ें रिपीट करके लिखी है ताकि आप उसको याद कर लें बार बार, है ना। नचिकेता नियम की बात करते हैं तो उनका फेमस डायलॉग किसमें मिलता है, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कठोपनिषद, ओके, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं किंग अश्वपति की बात करते हैं उपनिषद पीरियड की। ये रूलर कहाँ के थे, के और एक कौन सी नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है, नदी व्यास के किनारे आपको देखने को। नाउ तो यहाँ पर किंग अश्वपति जो उपनिषद पीरियड में मेंशन है वो कहाँ के रूलर थे, कैके हम देख चुके हैं, कौन सी नदी के किनारे, रिवर ब्यास के किनारे था। किंग जनक कहाँ के थे, विधेय के। किंग प्रवाहर जबाती, ठीक है, ये पंचाल के थे। अजातशत्रु की बात करते हैं काशी, तो ये जैसे अश्वपति के बारे में पूछ लिया गया वैसे क्वाइट पॉसिबल कि जनक एंड आपके अजातशत्रु एंड पंचाल के राजा के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। अवॉइड सेइंग दिस, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। नाउ करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले वैदिक संहिताज आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपको ब्रह्मणास देखने को मिल जाएंगे, फिर अरण्यक एंड उपनिषद। तो सबसे पहले वैदिक संहिता होते हैं, फिर उसके ब्रह्मणास होते हैं, फिर अरण्यक होते हैं, उसके उपनिषद होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वैदिक संहिताज और ब्राह्मण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कर्मकांड सेगमेंट ऑफ वेदा, यानी वेदा का जो कर्मकांड सेक्शन है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर दूसरा अरण्यक एंड उपनिषद की बात करते हैं, ज्ञानकांड सेगमेंट ऑफ वेदा, यानी ज्ञानकांड जो सेगमेंट है वेदा का वो अरण्यक और उपनिषद में मिल जाएगा। सिंधी नदी की बात करते हैं, इसका मेंशन किया गया है सबसे मोस्ट अर्ली वैदिक लिटरेचर में, अगर आप देखेंगे तो इसका मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर हिरणवी देखने को मिल जाती है। प्लेस ऑफ टर्मिनेशन यानी पेरावत आपको देखने को मिलता है, जो आपका कहाँ पर है, पर्टिकुलरली अरबिंद सी के पास में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं सरस्वती रिवर के बारे में, मोस्ट पायस मानी जाती है ऋग्वेदिक आर्यंस के लिए एंड इसको नदी तमा भी कहा जाता है, ठीक है। तो नदी तमा किसको बोलते हैं, सरस्वती नदी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपकी सिंधु नदी की थी, इसका नाम भी क्या था, हिरणवी इसको कहा जाता था। प्लेस ऑफ टर्मिनेशन पेरावत आप देखते थे कहाँ पर था, अरबिंद सी में, यानी सिंधु नदी अगर आप देख सकते हैं ना, दिस इज इंडिया, सिंधु यहाँ से होते हुए आएगी, देन इसका आपको यहाँ पर कहाँ मिल जाएगा, अरबिंद सी में देखने को मिल जाएगा। एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों, यहाँ से अगर आप देख सकते हैं ट्रेड वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। वैदिक लिटरेचर में इसको मेंशन किया गया था। वैदिक रिवर अस्किनी की बात करते हैं, इसको चेनाब भी कहा जाता है, चंद्रभागा भी कहते हैं। दूसरा ओरिजिन कहाँ देखने को मिलता है, टांडी में, कहाँ पर आपके, लाहौल स्पीति में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज पार्ट कहाँ पर है आपका, चेनाब नदी, चंद्रभागा भी कहते हैं एंड टांडी लाहौल स्पीति में इसकी ओरिजिन देखने को मिलती है। रिवर कुभा जिसको काबुल कहा जाता है, क्रमू, ठीक है, कुर्रम की बात करते हैं, ये आपका मेंशन करता है रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। ये सीधी बात क्या दिखाएगा कि किस तरीके से आपका आर्यंस का अफगानिस्तान के साथ में रिलेशन था, ठीक है। कुंभा काबुल, क्रमू अगर आप देखेंगे कुर्रम को कहा जाता है, ये भी ऋग्वेद में मेंशन की गई है। दूसरा गोमती की बात करते हैं, गोमल एंड स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वाद, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं अलग अलग नदियों के नाम, फिर से मैंने मेंशन कर दिया था कि याद रहे, कुभा किसको कह रहे हैं, काबुल को, परुषनी रावी को कह रहे हैं, सदानीरा गंडक है एंड आपकी शतुद्री कौन सी है, सतलज। तो शतुद्री आपको याद रहेगी, बहुत बार पूछा गया है। फिर महाभारत के पीरियड की बात करते हैं, महानदी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे भीष्म एक फेस्टिवल था वो मनाया जाता था। दूसरा चित्रोपाला अगर आप देखेंगे गंगा इसको देखने को मिलता है कि यहाँ इसको कहा जाता था। और ये आपके कहाँ पर मेंशन किया गया था, जो आपका कॉपर प्लेट का सोमेश्वर देव का पर्टिकुलर एक महोबा में कॉपर प्लेट का जो आपका इंस्क्रिप्शन था वहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। महोबा कॉपर प्लेट सोमेश्वर देव अगर आप देखेंगे तो चित्रोपाला गंगा में अगर आप देखेंगे ये मेंशन मिलता है, प्रेज्ड एज पुन्नादायिनी एंड सिन वशिनिमी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिन वशिनिमी एंड पुण्यदायिनी किसको कहा जाता था, आपकी महानदी को कहा जाता था। और किसका नाम हमने देख लिया कहाँ पर मेंशन किया गया, कॉपर बीट सोमेश्वर देव में, भीष्म फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में ध्यान देख लीजिएगा, क्यों इसके बारे में मेंशन किया गया, क्योंकि महानदी के बारे में अलग से नाम दिया गया था, तो ऐसा कुछ नाम नहीं था जो वहाँ पर मेंशन था। फिर आते हैं कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड, कौन कौन से ऐसे कस्टम थे जो आपको पोस्ट वैदिक पीरियड में मिल जाएगा। चार स्टेजेस ऑफ आश्रम्स आपको देखने को मिलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ठीक। चार आपके पर्टिकुलर आश्रम थे, चार पुरुषार्थ माने जाते थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार ही चीज़ें हैं। तो इसका भी मेंशन किया गया था कि अगर आप देखेंगे कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, आश्रम में से कौन सा है कौन सा नहीं है, पुरुषार्थ में से कौन सा है, धर्म एंड रीत की बात करते हैं, ये सेंट्रल आइडिया दिखाता है ना। आप सोचते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, तो वो रीत होती है, दैट मीन्स अगर आप देखेंगे कोई फंडामेंटल मोरल रॉ है, ठीक, जो क्या करता है, गवर्न करता है फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन, यानी यूनिवर्स में जितनी चीज़ें आती हैं वो, और यूनिवर्स की फंक्शनिंग को पर्टिकुलरली गवर्न करने वाली जो चीज़ होती है उसको रीत कहते हैं। धर्म डिपिक्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की जो एंशियंट वैदिक सिविलाइजेशन थी उसका सेंट्रल आइडिया दोनों क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं, धर्म और रीत दोनों। रीत हमने डेफिनेशन देख ली, धर्म क्या होता है, कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ वन ड्यूटीज टू वनसेल्फ एंड अदर्स, यानी आपका एक ऑब्लिगेशन होता है ना, आप किसी के प्रति बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से बाध्य होते हैं अपनी ड्यूटीज करने के लिए, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। दूसरा क्या आपका क्वेश्चन था यूपीपीसीएस का, वैदिक डेटीज बिलीव टू बी देयर प्रिस्ट,
ठीक, बृहस्पति की बात करते हैं, इनको गुरु देव गुरु कहा जाता था या गुरु ऑफ देवास कहा जाता था, यानी ये देवों के देव हैं, जो गॉड के भी गॉड हैं उनको क्या कहते हैं, बृहस्पति। एंड वैदिक डाइटीज इनको क्या मानते थे, अपना प्रीस्ट मानते थे। ठीक है, तो इसको देखिएगा, बृहस्पति के बारे में है। फिर आते हैं ब्रह्मवादिनी, हु कंपोज हिम्स ऑफ वेदास। ब्रह्मवादिनी की बात करते हैं, जिन्होंने क्या किया, हिम्स ऑफ वेदास को कंपोज किया, वो कौन है, लोपा मुद्रा है। फिर आप विश्वेश्वरा देखेंगे, शिक्ता, निवावारी एंड घोषा, इनके नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी पर्टिकुलर आपकी फीमेल पर्टिकुलर आपकी जो थी, जो आपको वेदास में मेंशन मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं लोपा मुद्रा है, विश्वारा है, शिक्ता है, निवावारी है एंड घोषा। ठीक, इनको ब्रह्मवादिनी यानी ऐसा माना जाता है कि इन्होंने वेदा में हिम को कंपोज किया था। लोपा मुद्रा की बात करते हैं, जो अगस्त ऋषि थे आपकी, उनकी वाइफ थी ये। फिर आते हैं निशुका पे, ये गोल्ड नेकलेस या ज्वेलरी की बात करते हैं, जो आपके ऋग्वैदिक पीरियड में यूज होता था। निशुका की बात करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम पे जो कॉइन थे उनको भी निशुका कहा जाता था। फिर आते हैं बोगाज को इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है बिकॉज एशिया माइनर या टर्की में अगर आपको देखने को मिल जाएगा, किसके बारे में मेंशन करता है, वैदिक गॉड के बारे में, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्याज एंड जो गॉडेस थी, जो भगवान देवी देवता दोनों थे, दोनों के बारे में यहाँ पर इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों में इसके बारे में पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, टेल्स अबाउट आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यंस फ्रॉम ईरान टू इंडिया, जो आर्यंस है वो किस तरीके से ईरान से इंडिया है, इसके बारे में भी देखने को मिलता है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, एक बार इसके बारे में पूछा गया है, दूसरा पूछा गया इनके मूवमेंट के बारे में बताता है कि नहीं, तीसरा इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC डिस्क्राइबिंग वैदिक गॉड, 14th century का इंस्क्रिप्शन है जो वैदिक गॉड को इंस्क्राइब करता है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करते हैं, इनकी बुक के बारे में अगर देखेंगे, द आर्कटिक होम इन वेदास की बात करेंगे, नॉर्थ पोल में देखने को मिलता है, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस माना जाता है, नॉट एक्सेप्टेबल टू हिस्टोरियंस, यानी बीजी तिलक ने कहा था कि जो बेसिक आपके आर्याज है उनका जो ओरिजिनल होम था वो कौन सा था, नॉर्थ पोल था, बट ये हिस्टोरियंस ने आपके एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये इनकी फिलॉसफी थी जो इन्होंने दी थी। फिर आते हैं नेक्स्ट यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, पुरुष मेधा की बात करते हैं कि इसका मेंशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका मेंशन हम देख चुके हैं, आपका शतपथ ब्राह्मण था, याद है आपको, और एक आपका तैत्रीय ब्राह्मण था। शतपथ ब्राह्मण में शुक्ल यजुर्वेद में, एंड आप तैत्रीय ब्राह्मण की बात करेंगे तो कृष्ण यजुर्वेद में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, फिर आते हैं प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विधेय माधुआ इन शतपथ ब्राह्मण, आपके कौन से ऐसे प्रीस्ट थे जो किंग विधेय माधुआ शतपथ ब्राह्मण में एसोसिएटेड थे, तो ऋषि गौतम रघुगण। ठीक है, तो इनके बारे में भी देख लीजिएगा कि ये किससे रिलेटेड थे, आपके विधेय माधुआ से। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं, एक्सेस ऑफ आर्यन कल्चर माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है आपका आर्यन कल्चर यहीं पर कहीं पोस्ट वैदिक पीरियड के आसपास ही स्टार्ट हुआ है। कौन से एरिया में बात करते हैं, तो कुरु एंड पंचाल का एरिया था, यानी कुरु एंड पंचाल का एरिया ही आपका एक्सेस माना जाता है आर्यन कल्चर का वैदिक पीरियड के बाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका यूपी में पूछा गया, गोत्र अकर्स फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार गोत्र का मेंशन कहां मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक टर्म की बात करते हैं तो काउ शेल्टर या हर्ड ऑफ काउस बोलते थे। पोस्ट वैदिक में गोत्र का मतलब होता था फैमिली लीलेज, यानी ऋग्वेदिक में जो काउ के शेल्टर होते थे जहां गाय रहती थी, या जो गाय का पूरा एरिया झुंड होता था वहाँ जहाँ रहते थे उसको गोत्र कहते थे। पोस्ट वैदिक टाइम पे फैमिली हो गया, लीनेज हो गया, किन हो गया, उसको गोत्र कहने लगे। रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस की बात करते हैं, तो अर्ली वैदिक आर्यंस का कौन सा रिलीजन था, वो नेचर की वर्शिप करते थे, नियर्जन करते थे, ऐसे उनका कोई रिलीजन नहीं था ना, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो वो प्रकृति की बेसिकली पूजा करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। ऋग्वैदिक पीरियड की बात करते हैं, पीपल बिलीव्ड मेनली इन सैक्रिफाइस एनिमल्स, यानी ऋग्वैदिक पीरियड में लोग ज़्यादातर किस पे विश्वास करते थे, बलिदान पे और एनिमल्स पे। फेमस बैटल ऑफ टेनकिन्स की बात करते हैं, बीपीएससी में आया हुआ है, बैंक ऑफ परुशनी नदी के किनारे किया गया था, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अभी ऊपर हमने देखा परुशनी कौन सी नदी को कहते हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे दशराजंग, उसके बाद वॉर ऑफ टेन किंग्स, दस राजाओं की युद्ध या वॉर ऑफ टेन किंग्स भी इसको कहा जाता है। रिवर्ड रेफर्ड एज मतितमा एंड देवीतमा या नदीतमा, अगर आप देखेंगे तो मतितमा, देवीतमा, नदीतमा, ये बेसिकली कौन सी नदी को कहा जाता था, सरस्वती को, ऊपर हम लोग देख के आ चुके हैं। देवीतमा, नदीतमा, मतितमा मतलब क्या हुआ, बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स गॉडेस एंड रिवर्स। ठीक है, सारी माताओं में सबसे बेस्ट, सारी देवियों में, सारी गॉडेस में सबसे बेस्ट एंड सारी रिवर्स में सबसे बेस्ट कौन थी आपकी, सरस्वती, है ना। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी करेंगे तो सरस्वती, वैसे भी इसका आंसर आप लगा सकते हैं, अभी बेसिकली क्या हो गई है, विलुप्त मानी जाती है, बट फिर भी तीनों का संगम हम देखते हैं। नाउ नेम्स ऋग्वेदिक ट्राइब्स रिलेटेड टू पंचजन ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस, यानी आपके ट्राइब्स कौन कौन सी थी जो किससे रिलेटेड थी, पंचजन, पांच जन से, किस पे, ऋग्वेदिक आर्यंस से, यदु, तुर्वाशा, ध्रुव, अनु एंड पुरु, ये पांच याद रखिएगा क्योंकि पांचों में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या पांच चार दे देगा उसमें से बताएगा कौन सा नहीं है। ठीक है, चीफ लाइवलीहुड क्या था आर्यंस का, तो ये एग्रीकल्चर एंड हंटिंग पे ज्यादा विश्वास करते थे। दूसरा, अगर आप देखेंगे यव इन ऋग्वेदिक पीरियड इज यूज फॉर बार्ली ग्रेन, यानी यव किसके लिए यूज करते थे, तो बार्ली के लिए, बार्ली को क्या कहते थे, यव कहते थे। ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच
क्लास ऑफ सिटीजन्स टू ट्रेडर्स, जो जो पानी होते थे आपके वो किसको बोलते थे हम लोग, ट्रेडर्स को कहते थे। फिर आते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये प्रिविलेंट कब था, वैदिक एरा में, और ये डिसेंडेंट मोनार्की था, यानी वैदिक एरा के टाइम पे जो गवर्नेंस, जो प्रशासन चलता था वो कैसा था, डिसेंडेंट मोनार्की, मोनार्की चलती थी और डिसेंडेंट। फिर सभा की बात करते हैं वैदिक एरा में कैसी थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर होते थे, लर्न्ड एंड एलाइट वंस, यानी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे एंड जो थोड़े से एलाइट वर्ग, जो थोड़े पैसे वाले क्लास थे, वो बेसिकली सभा का निर्माण करते थे। समिति क्या होती थी, असेंबली ऑफ कॉमन पीपल, यानी स्टेट में जो कॉमन पीपल थे वो समिति, समा ध्यान रखिएगा, आपके एलाइट एंड लर्न्ड और समिति क्या होता था, कॉमन पीपल को बोलते थे। ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली की बात करते हैं, एसोसिएटेड है किससे, विद जुडिशियल फंक्शन से, जो आपकी ऋग्वेद की ट्राइबल असेंबली थी, जो ट्राइबल जनजाति जो बेसिकली थी वो किससे होती थी, जुडिशियल, उसका मेन काम था जुडिशियल फंक्शन करने का। सभा एंड समिति की बात करते हैं, मेंशन किए गए टू डॉक्टर्स ऑफ प्रजापति, अथर्ववेद में आपके प्रजापति के दो बेटियों के रूप में किसको बेसिकली मेंशन किया गया, सभा और समिति को, ये भी यूपी का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना आयुर्वेद, साइंस ऑफ लाइफ इसको कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ईयर पहली बार कहाँ देखने को मिला है, अथर्ववेद में देखने को मिला है। ये अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है, इसके अंदर बीमारियों को रोकने का, प्रिवेंट करने का, कोऑर्डिनेशन का, लॉयल्टी का अगर आप देख सकते हैं, शादी के बारे में, लव पोएट्री, ये सारी चीज़ें आपको अथर्ववेद के अंदर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये पूछा गया था कि आपके अथर्ववेद के अंदर जो कौन कौन सी चीज़ें मेंशन है, तो ये आप है ना, आप मेडिसिन के बारे में देख सकते हैं, बट दिस माइट नॉट कम टू योर माइंड, तो ये भी चीज़ इसके अंदर मेंशन है। ऋग्वैदिक रिलीजन की बात करते हैं कैसा था, पॉलीथिस्टिक था, बहुत सारे भगवान इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। वैदिक गॉड की बात करते हैं, वैदिक गॉड्स आपको तीन ग्रुप्स में देखने को मिल जाएंगे, गॉड बेसिकली देखने को मिल जाएंगे स्काई, कौन थे, वरुण, मित्र, सूर्य एंड विष्णु, यानी आपके स्काई के गॉड थे चार, वरुण, मित्र, सूर्य, विष्णु, स्पेस में इंद्र, रुद्र, अर्थ में अग्नि, बृहस्पति, सोम, ठीक है। तो ये आपके हो गए। फिर आते हैं आपके लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम्स, सबसे ज्यादा जो ऋग्वेदिक हिम्स थे वो कौन से भगवान को बेसिकली डिवोटेड थे, इंद्र को डिवोटेड थे, उसके बाद अग्नि, इंद्र को 250 हिम थे, अग्नि को कौन से थे, 200 थे, तो इनकेस अगर इंद्र नहीं है आंसर में तो कौन हो जाएगा, अग्नि। इसके अलावा कौन कौन से भगवान थे, स्टॉर्म के भगवान, थंडर के, वॉर के, हेवन के, रेन के, स्काई के, एंड अगर आप देखेंगे तो पनिश सिनर्स, आपके सिनर को पनिश करने वाले भी भगवान अलग से होते थे। गार्जियन ऑफ मोरल अगर आप ऑर्डर की बात करते हैं तो किसको माना जाता था, वरुण को, यानी अगर मोरल ऑर्डर है उसकी रक्षा के लिए किसको माना जाता था, वरुण को। सो दिस इज भगवान के बारे में। फिर आते हैं आपका 800 BC से लेकर 600 BC तक कौन सा एरा माना जाता था, उसको ब्राह्मण एरा बोला जाता है, एंड 7 से 3rd सेंचुरी तक सूत्र पीरियड बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दो पीरियड है, एक पूछा गया था, दूसरा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 800 से 600 ब्राह्मण एंड 7 से 3rd सूत्र। फिर आते हैं गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद में है बाय ब्रह्मवर्षि विश्वामित्र, अगर आप ब्रह्मऋषि विश्वामित्र की बात करते हैं तो उनके द्वारा दिया गया था, ये उत्तराखंड में भी पूछा गया, तो देखिएगा। दूसरा हम देखते हैं पुराण्स, पुराण्स में बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने नंबर्स हैं, 18 आपको देखने को मिल जाएंगे, यूपी में पूछा गया था। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है, जीनोलॉजी ऑफ किंग, यानी जो वशु में वसनुचरित देखने को मिलती है, वंशानुचरित में आपको जीनोलॉजी मिलती है, वंश, वंश बेसिकली आप जानते हैं हेरिडिटरी, पापा, दादा, परदादा कौन थे, वंशानुचरित आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा मानवंतरा देखने को मिल जाएगा, पीरियड ऑफ डिफरेंट मनुज, अलग अलग मनुज के पीरियड, वंश देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री ऑफ सेक, बेसिकली सेज एंड गोड अगर आप देखेंगे तो भगवान एंड सेज के बारे में आपको जो वंश देखने को मिल जाएगा। सर्ग प्रतिसर्ग यानी नेचुरल क्रिएशन एंड रेनोवेशन, यानी कॉस्मोगोनी की बात करते हैं तो सर्ग और प्रतिसर्ग आपको देखने को मिल जाएगा। ओरिजिनल लैंग्वेज की बात करते हैं, भगवद गीता की कौन सी थी, संस्कृत थी। ओरिजिनली अगर आप देखेंगे महाभारत को क्या कहा जाता था, जय संहिता कहा जाता था, किसने लिखा था, व्यास ने लिखा था। निक नेम इसका क्या देखने को मिलता है, सहस्त्ररी समित्रा, ठीक है। तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फिर आते हैं अगर आप देखेंगे कुनिंद किंग्स की बात करते हैं, इसको द्विज श्रेष्ठ भी कहा जाता है, ये कहां पर मेंशन है आपके जो सब आपका पर्व है महाभारत का, वहां देखने को मिल जाएगा। तो महाभारत से रिलेटेड ये कुछ चीजें हैं, जय संहिता, व्यास हो गया, सहस्त्ररी समिता कहा जाता था, कुनिंद किंग्स यानी द्वित श्रेष्ठ, इसके अंदर आपको मेंशन मिल जाएगा, कौन से पर्व में मिल जाएगा, सभा पर्व में मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उत्तराखंड यूपी के आरओ एंड यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। फिर हिंदू माइथोलॉजी पे आते हैं, सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज रोप फॉर चर्निंग ओशन, आपके सर्पेंट है ना, आपको पता है ना बीच में जब आपका ये समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के लिए सांप ने बेसिकली खुद को दे दिया था ना, जो बेसिकली आपने देखा था, उन्होंने खुद को दे दिया था कि इस रस्सी नहीं है आपके पास तो रस्सी की जगह इसके अराउंड मेरे को बांध लीजिए एंड उसके बाद इसको चर्न करिए। कौन थे वो, वासुकी थे। वासुकी कौन है, किंग ऑफ सर्पेंट कहे जाते हैं, रिशाइड ऑन सिवाजनक, और यही वो हैं जो आपके शिव के गर्दन के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा पर्वत कौन सा यूज हुआ था, माउंट मंदरा है ना, इसके बीच में चलो रस्सी तो चारों तरफ बांधी जा रही है, किसके बांधी जा रही है, एक पर्वत था जिसको चर्न करना था और ये कौन सा था, माउंट मंदरा। लॉर्ड विष्णु की बात करते हैं तो कुर्म अवतार में थे, यानी वो आप कछुए के अवतार में देख सकते हैं, जिन्होंने माउंटेन को अपने बैक पे, यानी नीचे आपका कछुआ है, ऊपर आपका माउंटेन है, यहां पर
सांप लपटे हुए हैं जिसको खींच के चर्निंग करी जाएगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। जब आपसे सर्पेंट के बारे में पूछा गया है, पर्वत का भी पूछ सकते हैं, लॉर्ड विष्णु कुर्म के बारे में भी। कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो उसको बहुत ही क्लियरली तरीके से कहाँ पर पुट किया गया है, धर्मशास्त्र फेज में, ठीक है। फिर आते हैं मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद है ना, आप अगर आपने यूपीपीसीएस का देखा होगा तो एक मुंडकोपनिषद है, एक मंडुक उपनिषद है, ठीक है। तो दोनों में देखिएगा, मुंडकोपनिषद इसका सत्य आंसर, सही आंसर यानी सत्य में जाते हैं आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ये मुंडकोपनिषद में मिल जाएगा, ट्रुथ अलोन ट्राइम्स। फिर आते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये यहाँ पर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, जो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूछा गया है, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं सत्यकामा ज्वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैलेंज स्टिग्मा ऑफ अनमैरिड वुमेन, यानी एक अनमैरिड मदर है उनके साथ क्या क्या स्टिग्माज लगे हो सकते हैं ना, कितनी सारी चीज़ें अभी भी आप देखेंगे अनमैरिड अगर कोई बन जा रहा है मदर तो बहुत सारी स्टिग्माज उसके साथ में जुड़ जाते हैं, तो वो सारे सत्यकामा ज्वाला में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर मेंशन है, चंडोगी जो आपका उपनिषद है वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो ये भी पूछा गया था एसएस राजस्थान में। लिटरल मीनिंग की बात करते हैं, व्हाइट हॉर्स किसको कहते हैं, श्वेतवस्वतरहा उपनिषद, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। अश्व अगर आप देखते हैं तो अश्व बेसिकली हॉर्स के लिए होता है, व्हाइट के लिए क्या यूज़ करते थे हम लोग, श्वेत, तो श्वेत अश्वतारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्वेत अश्वतारा यानी अश्व मतलब व्हाइट हॉर्स, श्वेत मतलब व्हाइट एंड तारा मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है, दैट इज उपनिषद। ये कहाँ पर था, यजुर्वेद में, कैरिड ऑन व्हाइट हॉर्स, किसमें कैरिड किया गया था आपके, व्हाइट हॉर्स में। तो देखिएगा श्वेत अश्वे, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो मीनिंग के थ्रू भी आप देख सकते हैं। फंडामेंटल या बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ बात करते हैं ऋग्वेदा की, तो ब्राह्मी थी, प्रीस्ट किसको कहा जाता था, होता, यानी ऋग्वेदिक टाइम पे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीस्ट को क्या कहते थे, तो होता, और फंडामेंटल स्क्रिप्ट क्या थी, ब्राह्मी थी। सिमिलैरिटी की बात करते हैं अवेस्ता और ऋग्वेद में, अवेस्ता जो है बेसिकली आपका ईरान से रिलेटेड है, इंडो ईरानियन जो ग्रुप होता था, हुज मेंबर्स कंपोज्ड जोरोआस्ट्रियन, यानी इंडो ईरानियन ग्रुप था जिनके मेंबर्स ने किसको कंपोज किया था, जोरोआस्ट्रियन ने, जोरोआस्ट्रियन स्क्रिप्चर्स को क्या किया था, कंपोज किया था, जिसको अवेस्ता कहते हैं। एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं उसको वेदास या आर्यन कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने खुद को क्या कहा था, आर्यंस कहा था। एक तो इंडो ईरानियन ग्रुप हो गया जिन्होंने जोरोआस्ट्रियंस बेसिकली क्या किया, स्क्रिप्चर्स को बनाया, अवेस्ता। एंड हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं उन्होंने जो वेदास होते हैं उसको जिसने कंपोज किया उसको आर्यंस कहते थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ क्या थी। एनिमल्स की बात करते हैं तो अघन्य माना जाता था, यानी उनको घन्न नहीं करना, उनको कट नहीं करना है, ठीक है, उनकी बलि नहीं देती है वैदिक काल पे। जैसे अगर आप काव की बात करते हैं तो कौन से एनिमल को अघन्य माना जाता था, काव को माना जाता था। ऋग्वेदिक वैदिक पीरियड पे सबसे ज़्यादा वैल्यूबल प्रॉपर्टी है ना, आपके पास कैसा धन है, तो वो मानते थे हम लोग गाय को, यानी गाय जिसके पास ज़्यादा है उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है। कैटल ब्रीडिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी बात की जाती थी। दूसरा, डाइटी इन सम सूक्तास ऑफ ऋग्वेदा, यानी आपके ऋग्वेदा के कुछ सूक्त में आपकी गाय को डाइटी भी कहा गया है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं। रीत ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ऑफ नेचुरल ऑर्डर। नेचुरल रॉ को हम लोग रीत कहते हैं, जो धर्म ऑफ रीत हम लोग देख के आए हैं, ठीक है। देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो। गॉड की बात करते हैं, वरुण वाज सपोज टू अपहोल्ड रीत, यानी वरुण को ही माना जाता था, कोई मॉरल लॉ है, मॉरल ड्यूटीज है, उसको अपहोल्ड करने का देवता रीत को, और इसीलिए इनको क्या कहा गया है, रीत स्यागोप, ठीक है, यानी रीत की पर्टिकुलरली रक्षा करने वाले। तो रीतस्य गोप अगर आप बात करेंगे तो किसको कहा गया, वरुण को कहा गया। बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर का जो बेसिस है लीगल थ्योरी है, एंड जो पॉलिटिक्स जो फिलॉसफी है किस पे बेस्ड है, आपकी रीत पे बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वंश, गोत्र और कुल, ये तीन चीज़ें आपकी किससे रिलेटेड थी, फैमिली, सो ये पूछा गया था। एंड कोष दिया हुआ था, कोष आपका ट्रेजरी, तो पूछा गया था कौन सा इसमें से फैमिली से रिलेटेड है, तो वंश, गोत्र और कुल फैमिली से है, कोष आपका ट्रेजरी में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ संस्कार की बात करते हैं, 16 देखने को मिल जाएगा। गंगा दशहरा की बात करते हैं, जो आपका 10th ब्राइट लूनर डे आता है ज्येष्ठ मंथ का, अभी आके गया है थोड़े दिन पहले, अगर आपने देखा हो शुक्ल पक्ष में आपका ज्येष्ठ जो मंथ होता है जिसमें आपने देखा होगा बड़ा मंगल लगता है, ठीक है। तो बाकी जगह मुझे पता नहीं, बट लखनऊ में अगर आएंगे तो आपको बहुत, हर बड़े मंगल पे आपको बहुत ज़्यादा पंडाल देखने को मिल जाएंगे, लोग फ्री में बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं ना दान पुण्य की तरह। तो इसी में ही जो सबसे 10th ब्राइट लूनर डे होता है उसको गंगा दशहरा कहा जाता है। एंड अगर आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता है इस दिन गंगा तट का अवतरण हुआ था, यानी गंगा जी जब पृथ्वी पे आई थी तो उनका जो डिसेंट हुआ था वो इस दिन हुआ था। फिर हम आते हैं उपाध्याय पे, देखते हैं उपाध्याय क्या है। दे अडॉप्टेड टीचिंग एज प्रोफेशन एंड लाइवलीहुड, उपाध्याय किनको कहा जाता था, जिन्होंने टीचिंग को खुद का प्रोफेशन या लाइवलीहुड बना लिया, कि वो पढ़ाएंगे या इसी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, इसी से कमाएंगे। दे टॉट पोर्शन ऑफ वेद एंड वेदांग, वो क्या पढ़ाते थे, वेद और वेदांग के बारे में। डिफरेंस बिटवीन कल्चर ऑफ ऋग्वेद एंड आईवीसी, अब आईवीसी और ऋग्वेद के कल्चर के बारे में डिफरेंस है ना, आपको सारे डिफरेंसेस दिख जा रहे हैं, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट,
इन वॉरफेयर मेड ऑफ गोल्डन आयरन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी लड़ाई के टाइम पे ये लोग क्या करते थे, हेलमेट पहनते थे एंड कोट लगा के रखते थे लड़ाई करते टाइम, वो आपका सोने का और लोहे का बना होता था। अगर आप आईवीसी की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई एविडेंस में नहीं मिलता, लड़ाई का एविडेंस ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मर्चेंट क्लास, जो लोग व्यापार करते थे, ट्रेडर होते थे बेसिकली, वो क्या करते थे, आपको रूल करते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे ऋग्वेदिक टाइम पे, ऋग्वेदिक जो लोग थे वो किसके बारे में जानते थे, वो आपके गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर तीनों के बारे में जानते थे। वो जानते थे गोल्ड क्या, गोल्ड के बारे में, सिल्वर एंड कॉपर। आईवीसी के बारे में अगर आपको याद हो तो आईवीसी के लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में जानते थे, वो सिर्फ कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे, वो लोग आपके आयरन के बारे में नहीं जानते था ना। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। यूज़ ऑफ हॉर्सेस की बात करते हैं तो भगवान पुराण हरियाणा में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके हॉर्स के बोन्स मिले, यानी उनकी हड्डियाँ देखने को मिलती है, जो बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पर हॉर्स आपके थे, हॉर्स लाइक रिमेन्स मिले। अब आईबीसी में प्योर अगर आप देखेंगे या अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से ऑथोरिटेटिव, इनका कोई एग्जांपल नहीं मिला कि हॉर्स लाइक रिमेन्स आपके मिल रहे हैं। ऐसा माना जाता है हॉर्स की तरह कोई जानवर था तो उसके रिमेन्स आपको सुरकोतड़ा में देखने को मिलते हैं। तो ये डाउटफुल है कि वहाँ पर है कि नहीं है, ठीक है। डाउटफुल टेराकोटा फिगरीन भी मिली आपको लोथल में, यानी हॉर्स की तरह दिखने वाला कुछ तो आपका जानवर था जो आपको वहाँ देखने को मिल जाता है। फिर नेक्स्ट अगर आप देख सकते हैं बुद्धिज्म आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आज हम यहीं तक कवर करते हैं, वेदिक एज आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ अगर आपको चाहिए, कोई और नोट्स अगर आप चाहते हैं स्टार्ट करना, मेंस का भी स्टार्ट हो गया तो वो भी आप देख सकते हैं लेक्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट के लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।